Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. This is the continuation of previous part. So must watch the previous part of this video, then read it. So welcome to the online educational portal of FAB Institution. This is your host, Saurav. In this whole video, we are going to show you that how to use shorthand and longhand properties of CSS language with the help of margin. So let's achieve in Hindi language. Guys, ye CSS ka chapter 21 hai, jisme hame मार्जिन प्रॉपर्टी का लैब देखना है. गाइज, ये प्रीवियस चैप्टर का कंटिन्यूएशन वीडियो है. सो पहले प्रीवियस पार्ट को देखें, फिर इस वीडियो को रीड करें. सो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी और लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी के बारे में. सीएसएस में दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं और ये प्रॉपर्टी सीएसएस के वर्जन्स के अनुसार काम करते हैं. मीन्स CSS 2 में लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल होते हैं, CSS 3 में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल होते हैं. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउजर्स को सपोर्ट करते हैं जो लेटेस्ट क्वालिटी के होते हैं, यानी कि गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन. CSS 2 के प्रॉपर्टी यानी कि लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी सभी तरह के ब्राउजर्स को सपोर्ट करते हैं, जो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड क्वालिटी के ब्राउजर्स है. हर तरह के ब्राउजर्स में CSS 2 के प्रॉपर्टीज सपोर्ट करते हैं. क्लियर? तो अगर हमने CSS 3 में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज किया तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसे हम डिफाइन करते हैं कि वो छोटे मोटे ब्राउजर्स में किस तरह से सपोर्ट करेंगे. इस चीज़ को हम CSS 3 के चैप्टर्स में अचीव करेंगे. आज समझते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है यानी कि CSS 3 का प्रॉपर्टी है, और आप कैसे पहचानोगे कि ये लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है यानी कि CSS 2 का. तो एक प्रॉपर्टी के लिखने से अगर चार डायरेक्शंस एक ही बार में कंट्रोल हो जाते हैं तो वो CSS 3 का प्रॉपर्टी होगा यानी कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि चारों डायरेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे लेफ्ट के लिए मार्जिन लेफ्ट, राइट के लिए मार्जिन राइट. ओके, अब समझ लेते हैं मार्जिन का क्या उपयोग है. सपोज करें कि आप एक डब्बा क्रिएट करते हो और उस डब्बे को चाहते हो चारों दिशा से खिसकाना, तो आप उसके लिए मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करोगे. क्लियर? तो अगर आपने यूज़ किया मार्जिन 20 pixels तो वो डब्बा चारों दिशा से खिसकेगा क्योंकि CSS 3 का प्रॉपर्टी है शॉर्ट हैंड, चारों डायरेक्शन एक बार में ही कंट्रोल हो जाएगा. क्लियर? लेकिन अगर आप CSS 2 के अनुसार अगर चाहते हो तो आप अपने सोच के अनुसार उस डब्बे को अरेंज कर सकते हो. जैसे आप चाहते हो लेफ्ट से 10 pixel और राइट से 20 pixels हो, तो ये CSS 2 में पॉसिबल है, CSS 3 में पॉसिबल नहीं है. कुछ ऐसे तरीके हैं CSS 3 में जिसमें हम शॉर्ट हैंड वैल्यूज पास करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि एक एक डायरेक्शन को अपने सोच के अनुसार ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी. ओके, आप चाहते हो चारों डायरेक्शंस को एक जगह अरेंज कर ले, एक जैसा कर ले, तो उसके लिए आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करोगे. गाइज, यहाँ पे मार्जिन का स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लोगे. मार्जिन का स्पेलिंग होगा MARGIN और ये जो कॉलन का साइन है यहाँ पे ऐसा हाइफ़न का साइन होगा. क्लियर? सो आप लिखोगे MARGIN हाइफ़न टॉप. ओके, 20 pixels. क्लियर? सो प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं, लैब में अचीव करते हैं कि आप इसका यूज कैसे करोगे. सो मैं एक डब्बा क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो डब्बा क्रिएट करने के लिए आप कोई भी एलिमेंट को चुन ले. जैसे मैं हेडर को चुनने जा रहा हूँ, तो मैंने हेडर नाम से एक एलिमेंट सेट किया. क्लियर? अब आप पढ़े हो इनलाइन स्टाइल सेट, इंटरनल स्टाइल सेट, आपको डिसाइड करना है कि आप हेडर में CSS का प्रॉपर्टी कौन से मेथड से अप्लाई करना चाहते हो, इनलाइन स्टाइल सेट के मेथड से या इंटरनल स्टाइल सेट की मेथड से. तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंटरनल स्टाइल सेट से इस हेडर को डेकोरेट करें.
तो इंटरनल स्टाइल सेट का मतलब है कि आप स्टाइल टैग को हेड के अंदर लिखते हो, और सीएसएस से रिलेटेड कोडिंग आप स्टाइल टैग के अंदर में राइट करोगे। यहाँ स्टाइल की बॉडी शुरू हुई, यहाँ स्टाइल की बॉडी बंद हुई। आप ऐसे समझे, सीएसएस की बॉडी शुरू हुई, सीएसएस की बॉडी बंद हो गई। सीएसएस से रिलेटेड जितने भी कोडिंग्स होंगे, सारे कोडिंग्स को आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए स्टाइल के अंदर हमें सबसे पहले लिखना होता है सेलेक्टर्स, यानी कि सेलेक्ट करना होता है कि आप किस एलिमेंट को डेकोरेट करना चाहते हो। क्लियर, हमने हेडर सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब बॉडी में एक हेडर नाम का टैग है जिसमें हम सीएसएस का प्रॉपर्टी और वैल्यू देना चाहते हैं। तो सीएसएस का प्रॉपर्टी वैल्यू देने के लिए आप शुरू कर लो कर्ली ब्रैकेट्स को, और इसमें सीएसएस का प्रॉपर्टी और वैल्यू आप डिफाइन करोगे। तो मैं पहला प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ विड्थ, ताकि इसका विड्थ बढ़ जाए 400 पिक्सल्स। ओके, मैं हाइट डिफाइन करता हूँ 400 पिक्सल्स। क्लियर, अभी ये इनविजिबल है, यानी कि ये दिखेगा नहीं। आप इसको दिखाने के लिए यूज करोगे बॉर्डर प्रॉपर्टी, और बॉर्डर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके पास तीन वैल्यूज होते हैं। सबसे पहला वैल्यू डिफाइन करता है कितना मोटा बॉर्डर आपको चाहिए, दूसरा डिफाइन करेगा किस स्टाइल का बॉर्डर आपको चाहिए, और तीसरा वैल्यू डिफाइन करेगा कि आप किस कलर में बॉर्डर चाहते हो। बेसिकली बॉर्डर प्रॉपर्टी सीएसएस 3 का है, तो ये उन्हीं को सपोर्ट करता है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेटेस्ट ब्राउजर्स होते हैं। तो इसके लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज मैं अगले चैप्टर्स में आपको बताऊंगा। तो आपने क्या अचीव किया, हमें बॉक्स बनाना है तो हमें तीन प्रॉपर्टी पास करना होगा। बॉक्स का डायमेंशन सेट करते विड्थ हाइट से, और बॉक्स को विजिबल करने के लिए बॉर्डर का उपयोग करें। अब आप इसको सेव करके रन करके चेक करें। बॉक्स क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे इस बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले मैं एक एलिमेंट सेट करूँगा। कोई भी एलिमेंट मैं सेट कर देता हूँ, जैसे मैंने सेट कर दिया नैव, और नैव को लॉक कर दिया। ध्यान से देखें, मैंने हेडर के अंदर नैव को लॉक किया है, इसका मतलब जब मैं डेकोरेट करूँगा इस डब्बे को तो ये डब्बा ऑलरेडी हेडर के अंदर ही दिखेगा। क्लियर, तो स्टाइल के अंदर यहाँ ध्यान से देखिए, ये हेडर का कोडिंग ख़त्म हो रहा है। अब मैं नैव का कोडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने नैव को सेलेक्ट किया, अब मैं विड्थ प्रॉपर्टी पास करता हूँ, और इसमें डिफाइन करता हूँ कि मुझे 140 पिक्सल्स विड्थ चाहिए। सॉरी, विड्थ मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 350 पिक्सल्स विड्थ चाहिए। ओके, मुझे हाइट चाहिए 350 पिक्सल्स। ओके, विजिबल करने के लिए मैं लगाऊंगा बॉर्डर प्रॉपर्टी। तीन वैल्यूज होंगे इसमें, पहला बॉर्डर की मोटाई, दूसरा बॉर्डर का स्टाइल, और तीसरा बॉर्डर का कलर। तो मैं इसका कलर करता हूँ ब्लू। एक काम करता हूँ, मैं बॉर्डर को और मोटा कर देता हूँ। मैंने 5 पिक्सल्स इसको किया, इसको भी 5 पिक्सल्स मैं कर रहा हूँ। ओके, सो अब आप इसको सेव करके रन करके चेक करें। लगता है हाइट का स्पेलिंग गलत है, सो सिंपली मैंने हाइट को सही किया, अब मैं रन कर रहा हूँ। वेस्ट हो गया। अब हमें मार्जिन का यूज़ करके देखना है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं चारों दिशा से 10 पिक्सल्स खिसका दूँ ब्लू वाले डब्बे को। तो सिंपली इस ब्लू वाले डब्बे में मैं लगाऊंगा मार्जिन प्रॉपर्टी। ओके, और वैल्यू पास करूँगा, जैसे मैंने पास किया 10 पिक्सल्स। तो इसका मतलब है ये चारों दिशा से 10 पिक्सल्स खिसक जाएगा। क्लियर, ओके। लेकिन अगर मैं चाहता कि सिर्फ मैं बाएं से खिसकाऊं, तो मैं लगाता मार्जिन हाइफन लेफ्ट, और मैं बाएं से 10 पिक्सल खिसकाता। क्लियर, आप सेव करके रन करें। ओके, आप देख रहे ध्यान से, ये बाएं से 10 पिक्सल खिसक चुका है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप थोड़ा सा और इसको बढ़ाकर देखें, मैंने दिया 15 पिक्सल। आप ध्यान से देखिए, ये बाएँ से 15 पिक्सल खिसकेगा, देखा आपने। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मैं इसे ऊपर से खिसकाऊं मार्जिन टॉप देकर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये CSS2 का प्रॉपर्टी है। सीधे मार्जिन लिख देना, ये CSS3 का प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप मार्जिन लिखते हो तो चारों डायरेक्शन एक बार में कंट्रोल हो जाता है। तो जहां बहुत सारे डायरेक्शंस एक बार में कंट्रोल हो जाए, आप ऐसा असाइन कर ले कि वो CSS3 का प्रॉपर्टी होगा, और वो उन्हीं ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा जो हाईली क्वालिफाइड होंगे। ओके, सो और ज़रूरी नहीं लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ में कि
हम चारों दिशा का वैल्यू सेम दे। मैं चाहता हूँ ऊपर से 20 पिक्सल्स खिसकाना, तो मैं ऊपर से 20 पिक्सल्स खिसका सकता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। क्लियर? सो ये आपका CSS कोड है और ये आपका HTML कोड है। क्लियर? सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम्स आई है तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज को देखें। फिर भी अगर ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज समझ में आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कॉमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करके उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to Web Institute and get the international education about computers and technical science.